हेलो फ्रेंड्स, आज प्रथम क्वेश्चन रही ह्विच कंट्री हैंडेड ओवर 2020 समर ओलंपिक टॉर्च टू आना कोरा कोकी। 2020 समर ओलंपिक रो जो टॉर्च मशाल आना कोरा कोकी को क्यों कंट्री हैंडेड ओवर कर सटिक आंसर होगी ऑप्शन बी ग्रीस। 2020 समर ओलंपिक हॉर्स सिटी टोक्यो जापान, हॉर्स सिटी टोक्यो जापान। देन आम देखा अन्ना कोरा कोकी पिक, ये जो पिक देखते ये होती अन्ना कराकोकी। नेक्स्ट आम देखिए ग्रीस यहाँ हैंडेड ओवर कर लोकेशन देखा, लोकेशन रही है आपंकर साउथ ईस्ट यूरोप कंट्री, यूरोप महादेशर साउथ ईस्ट पार्टी यहाँ लोकेटेड। तो यूरोप महादेश कौटी रही देखो ये रहा आपंकर यूरोप महादेश। मुझे मैप ये देखिए आपको वर्ल्ड टोटाल वर्ल्ड रो जो लोकेशन ताको माइंड में सेट होगा। यूरोप महादेशर साउथ ईस्ट पार्टी यहाँ रही साउथ ईस्ट पार्टी एवं कैपिटल लार्जेस्ट सिटी एथेन्स। एथेन्स आम देखा प्रथम तार लोकेशन देखा ये जो देखुंट यूरोप महादेशर ये हूँ ग्रीस। ओके तो कौटी रही तार कैपिटल एथेन्स रही ग्रीस रो कैपिटल देखु ये जो आपंकर लोकेशन रही हूँ ग्रीस, ग्रीस रो साउथ पार्टी ये देखिपार्थ एथेन्स। ओके नेक्स्ट आम देखा ऑफिशियल लैंग्वेज एवं नेशनल लैंग्वेज ग्रीस रोच ग्रीक, करेन्सी रही यूरो ईयूआरओ जहाँ को सर्ट्रे लिखा ईयूआर। नेक्स्ट देखा समर ओलंपिक यह फास्ट हेल्ड 1896 प्रथम के 1896 प्रति 4 वर्ष को थे यहाँ। ओके नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज वर्ल्ड पोएट्री डे सेलिब्रेटेड, क्यों दिन वर्ल्ड पोएट्री डे सेलिब्रेट कर सटिक आंसर होगी ऑप्शन डी 21 मार्च। डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को, यूनेस्को द्वारा यह डिक्लेयर करा जायतला। यूनेस्को रो फुल फॉर्म रही यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ए जो फुल फॉर्म निश्चित मन रखिए बिगिन्स के आरंभ होता 1999 ऑब्जर्व्ड बाय यूएन मेंबर्स, यूनाइटेड नेशंस जिते भी मेम्बर्स अच्छा से ऑब्जर्व करते हैं पालन करते हैं। मेंबर्स कंट्रीज यूनाइटेड जो नेशंस रो 193 मेंबर्स अच्छा वर्तमान। वर्ल्ड पोएट्री डे ऑब्जर्व करिवारो मेन कारण रही मेन उद्देश्य रही प्रमोट द रीडिंग राइटिंग पब्लिशिंग एंड टीचिंग ऑफ पोएट्री, पोएट्री को रीडिंग करिवा राइटिंग करिवा पब्लिश करिवा एवं टीचिंग करिवा पोएट्री रो मेन उद्देश्य। नेक्स्ट हम देखिबा फर्स्ट मार्च रु आज पर्यंत जो इंपोर्टेंट डेट अच्छे हम डिस्कस करिवा। फर्स्ट मार्च थिला जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। थर्ड मार्च थिला आपनकर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एवं वर्ल्ड हेयरिंग डे। फोर्थ मार्च थिला आपनकर नेशनल सेफ्टी डे। सेवेंथ मार्च थिला जन औषधि डे। एइथ मार्च थिला आपनकर इंटरनेशनल ओमेन्स डे, राधा कृष्ण जयंती डे। ये जो इंटरनेशनल ओमेन्स डे यह बहुत इंपोर्टेंट निश्चित मन रखिए। टेन्थ मार्च थिला आपनकर सीआईएसएफ राइजिंग डे। इलेवेन्थ मार्च आपनकर नो स्मोकिंग डे। इलेवेन्थ मार्च रे हुए नी यह आपनकर मार्च मासरो सेकेंड वेडनेस डे होता है। ट्वेल्थ मार्च रही आपनकर वर्ल्ड किडनी डे जहाँकि आपनकर मार्च मासरो सेकेंड थर्सडे रे करा जाए। देन 15th मार्च आपनकर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये बहुत इंपोर्टेंट। 18th मार्च आपनकर थिला नेशनल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे। 20 मार्च आपनकर थिला वर्ल्ड स्पेरो डे एवं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, यूनाइटेड नेशंस फ्रेंच लैंग्वेज डे। देन 21 मार्च आपनकर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट रहिला। पुनी आपनकर वर्ल्ड पोएट्री डे रहिला। ओके दुईटी डे रहिला। नेक्स्ट आपनकर ए जो वर्ल्ड पोएट्री डे को जो डिक्लेयर किए करथिला यूनेस्को करथिला, तो यूनेस्को विषय आउ किछि इंपोर्टेंट पॉइंट जानिबा। फॉर्मेशन केबे हेतला 4 नवंबर 1946 रे हेतला। हेडक्वार्टर पेरिस रे रहिछि। पेरिस आपनकर पेरिस इज द कैपिटल एंड मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ फ्रांस। फ्रांस रो आपनकर पॉपुलर सिटी एवं मोस्ट पॉपुलर सिटी एवं कैपिटल रहिछि आपनकर फ्रांस रो पेरिस। तो फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप, यूरोप महादेश रो वेस्टर्न पार्ट रे यहाँ लोकेटेड। ये आपण देखछन्ति यूरोप महादेश वेस्टर्न पार्ट रे, वेस्टर्न पार्ट ता लोकेटेड। ओके ये देखि परछन्ति ये होछि आपनकर फ्रांस, एटी रही तार हेडक्वार्टर यूनेस्को। ओके देन आम देखा हेड किए अच्छा ओड्रे आजुएले जी कि फ्रांस रो। मेंबर्स कंट्रीज टोटल 193। इलेवेन्थ एसोसिएट
एसोसिएट मेंबर्स 11 मेंबर्स अच्छा 11 कंट्री देन नेक्स्ट देखा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस कंट्रीज वर्ल्ड हैप्पीनेस कंट्रीज रे इंडिया रो रैंक कौन रही 144 रैंक रे इंडिया रही ओके रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन द्वारा ए जो रैंकिंग रिलीज करा जाय छी टोटल कंट्रीज 156 अछि ओके एथिरे लिस्ट रे टोटल 156 कंट्री अछि सेथिर फर्स्ट टॉप रैंक रे रही छी फिनलैंड एवं लास्ट रैंक रे रही छी आपनकर अफगानिस्तान नेक्स्ट हम देखिबा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज ता बिषय किछ इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 रे इतला हेड क्वार्टर्स न्यूयॉर्क रे रही छी हेड अछि एंटोनियो गुटेरेस पोर्टुगल रो मेंबर्स कंट्रीज 193 अछि ओके इंडिया 144 रैंक रे रही छी ओके तो इंडिया विषय किछ इंपोर्टेंट पॉइंट नेशनल सॉन्ग रही छी आपनकर वंदे मातरम नेशनल एंथम आपनकर जनगण मन अधिनायक जय कैपिटल रही छी न्यू दिल्ली रे लार्जेस्ट सिटी मुंबई मेंबरशिप यूएन डब्ल्यूटीओ ब्रिक्स सार्क एससीओ G8+5 G20 कॉमनवेल्थ नेशंस प्रेसिडेंट अछि रामनाथ कोविंद प्राइम मिनिस्टर अछि नरेंद्र मोदी जी एवं करेंसी अच्छे आप इंडियन रूपीज INR शॉर्ट रे लिखा अच्छे सेयार बॉर्डर क्या सहित सेयार कर देखते इंडियन ओशन सहित आरबीएन सी सहित बे ऑफ बंगाल सहित आपंकर लैंड बॉर्डर क्या सहित सेयार कर छोटी कंट्री सहित पाकिस्तान सहित चाइना सहित नेपाल सहित भूटान सहित बांग्लादेश म्यांमार सहित आंडामान और निकोबार आइलैंड मध्य बॉर्डर सेयार कर मेरीटाइम बॉर्डर थाइलैंड और इंडोनेशिया मेरीटाइम अर्थ होती सामुद्रिक बॉर्डर नेक्स्ट आम मैप्रे देखा इजी हम मन रखापी ये रही है आपंकर पाकिस्तान साइड पाकिस्तान रे ये बॉर्डर शेयर करपटे चाइना सहित बॉर्डर शेयर कर नेपाल सहित बॉर्डर शेयर कर भूटान सहित बॉर्डर शेयर कर बांग्लादेश सहित ये बॉर्डर शेयर कर म्यांमार सहित बॉर्डर शेयर कर बे ऑफ बंगाल ये साइड देखते इंडियन ओशन एपटे रहा अरबियन सी नेक्स्ट क्वेश्चन कोरोना भाइरस इनफर्मेशन हब सोशल मीडिया साइट लॉन्च्ड बाय क्यों ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोरोना भाइरस इनफॉर्मेशन हब को लॉन्च करा जाइछि जार सटीक आंसर हो छु व्हाट्सएप सोशल व्हाट्सएप द्वारा कोरोना भाइरस इनफॉर्मेशन हब लॉन्च करा जाइछि ओके नेक्स्ट हम देखिबा आज पर्यंत जो इंपोर्टेंट टॉपिक घटी आसी कोरोना भाइरस रिलेटेड ताको हम आउ थरे रिविजन करिबा कोविड 19 नामकरण करथिला WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जार हेड क्वार्टर रहिछि जेनेवारे कोरोना सी रो सी ओर अर्थ होची कोरोना भी आई अर्थ होची भाइरस डी रो अर्थ होची डिजीज 19 रो अर्थ होची 2019 रे आसी तेणु को 2019 लिखाई पंजाब द्वारा गोटे एप्लीकेशन लॉन्च करा जाइछि जार नाम होची कोभा पंजाब COVID एर अर्थ होची कोरोना भाइरस अलर्ट WHO यहाँ एपिडेमिक महामारी भाव डिक्लेयर कला तापरे आम हरियाणा स्टेट इंडिया रो प्रथम हरियाणा स्टेट यहाँ एपिडेमिक भाव डिक्लेयर कला नेक्स्ट आम आउ किसी इंपोर्टेंट पॉइंट जानवा जो कर्नाटक द्वारा गोटे लॉन्च करागला कैंपेनिंग जो अभियान तार नाम थी कर्नाटक द्वारा जोटा नमस्ते अवर हैंडशेक एवं आउ गोटे केरल द्वारा लॉन्च करागला कैंपेनिंग तार नाम होची ब्रेक दि चेन ए दुईट बहुत इंपोर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट गोटे पोर्टल लॉन्च करी याकु ट्रैक करिया पई कोविड 19 रे को कंट्री रे केते इफेक्टेड हेले एवं फुटबॉल को जन कर डेथ हिसी तांको नाम हिउची फ्रांसिस्को गार्सिया एवं 22 मार्च रे हम पीएम मोदी पब्लिक कर्फ्यू कैंपेनिंग करथिले ए समस्त पॉइंट आपन निश्चित मन रखिबे हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बजाज ऑटो बजाज ऑटो रो एमडी एवं सीईओ भाबर के रीअपॉइंटेड हिचंती सटीक आंसर होची ऑप्शन ए ओके राजीव बजाज याको 5 ईयर टर्म्स एक्सपायर हो मार्च 31, 2020 रे रीअपॉइंटेड हेबे April 1, 2020 रे हेडक्वार्टर्स रही बजाज ऑटोरो पुणे महाराष्ट्र रे फाउंडेड November 29, 1945 रे राजीव बजाज तांको पिक देखंतु ये होचंती राजीव बजाज ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत इंपोर्टेंट रही रिसेंटली RBI announced to invest how many crore to maintain the stability in the country's economy okay stability rakhya pai jo economy india ro taku stability rakhya pai kete invest karyo boli market re RBI announced karchi jar sathik answer hochi 30000
କ୍ରୋର୍ ଓକେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଯିଏକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ରହିଛି ମୁମ୍ବାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା 1935 ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଯିଏକି 25 ନମ୍ବରର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଏ ଯେଉଁ ପିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 25 ନମ୍ବର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରେନ୍ସି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପିଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ କେବେ ହେଲା ଆର୍ବିଆଇ ଇଏ ହେଲା 1 January 1949 ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ହେଲା ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଅସବର୍ନ ସ୍ମିଥ୍ ଇଏ 1 April 1935 ହେଇଥିଲେ ଓକେ ଯାହାଙ୍କ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତଳେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅସବର୍ନ ସ୍ମିଥ୍ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ ଆର୍ବିଆଇରୁ କିଏ ସିଟି ଦେଶମୁଖ ଯିଏକି 11 August 1943 ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଟି ଦେଶମୁଖ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କେଉଁ ଦିନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ହ୍ୱେନ୍ ହୁ ବିକମ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇରାକ୍ ଇରାକର ନ୍ୟୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଦି ହଁ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସର ଏନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ନେକ୍ସଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସର ସଠିକ୍ ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆଦନାମ୍ ଅଲ୍ ଜୁର୍ଫି ଓକେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ କିଏ କଲେ ୟାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ କରିଥିଲେ ବରହମ୍ ସାଲି ଯିଏକି ସେଠାକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ପିକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବରହମ୍ ସାଲିଙ୍କର ସକ୍ସେଡିଂ ମହମ୍ମଦ ତାଉଫିକ୍ ଏଲାଓଙ୍କୁ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ସକ୍ସେଡ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଏହାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମହମ୍ମଦ ତାଉଫିକ୍ ଏଲାଓ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ 1 February 2020 ଓକେ ଇଏ ଯେଉଁ ପିକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦନାନ୍ ଅଲ୍ ଜୁର୍ଫି କରେଣ୍ଟଲି ପିଏମ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ଯଦି 3 ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଠନ ନ କରିପାରିବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ର ଯେଉଁ ପଦବୀ ତାହାକୁ ହରାଇ ବସିବେ ଓକେ ତ ଇରାକର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି ଇରାକ ବିଷୟରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏସିଆରେ ଏହା ଲୋକେଟେଡ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏବଂ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି ହେଉଛି ବାଗଦାଦ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ୱେଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଏସିଆ ମହାଦେଶ ୱେଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଇଏ ଲୋକେଟେଡ୍ ଓକେ ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏବଂ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି ବାଗଦାଦରେ ରହିଛି ତା ଲୋକେସନ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଲୋକେସନ୍ ଓକେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବରହମ୍ ସାଲି କରେନ୍ସି ହେଉଛି ଇରାକି ଡିନାର ବର୍ଡର୍ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ତୁର୍କୀ ସହିତ ଇରାନ୍ ସହିତ କୁଏତ୍ ସହିତ ସାଉଦି ଆରବିଆ ସହିତ ଜର୍ଦ୍ଦାନ ସହିତ ସିରିଆ ସହିତ ଇରାକର ବର୍ଡର୍ ଏଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିଦେବା ଇରାକ ରହିଛି ଏଇଠି ଏପଟେ ରହିଲା ସିରିଆ ସହିତ ବର୍ଡର୍ ସେୟାର କରୁଛି ଏପଟେ ତୁର୍କୀ ସହିତ ବର୍ଡର୍ ସେୟାର କରୁଛି ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇରାନ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଇରାନ୍ର ଲୋକେସନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁଏତ୍ର ଲୋକେସନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଦି ଆରବିଆ ଏପଟେ ବର୍ଡର୍ ସେୟାର କରୁଛି ଏପଟେ ଜର୍ଦ୍ଦାନ ସହିତ ବର୍ଡର୍ ସେୟାର କରୁଛି ଓକେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲେ ଟପ୍ ପ୍ରଥମେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସୁନୀଲ 2143 ତାପସ ମଣ୍ଡଲ ସାଗରିକା ସାହୁ ସସ୍ମିତା ରାଉତ ଆଲୋକ ଦାସ ଭୂମିସୂତା ବେହେରା ଅନିମା ବାଗ କୈଳାସ କୁମ୍ଭାର ସାହୁ ବିକାଶ ଅନିମା ବାଗ ସୁନୀଲ ଟୁଡୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ବିଦାୟ ନେଉଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ